कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि भूगोल का पेपर ऑफ लगा। फाइनली आपके यहाँ भूगोल पेपर आ चुका और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते तो आपके यहाँ पर 70 में 70 मार्क्स आएंगे। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना, पूरे पेपर यहाँ पर संपूर्ण हलचल कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ भूगोल पेपर आ चुका, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, 83/5/2023-24 कक्षा विषय भूगोल कक्षा 12वीं, समय आपका 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला। और निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और साथ ही आपको भी मेहनत करना, ठीक है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। तो पहला था निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? तो आपका आता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आता, बिहार आता, दिल्ली। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? तो इसके अंदर से आपको बाहर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर आपका दूसरा आता निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका आता पश्चिम बंगाल, आता केरल, और साथ उत्तराखंड, और दाता पंजाब। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसके अंदर से आपका आ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर तीसरा आता निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो आपका था प्राथमिक, बाद तृतीयक, औसत द्वितीयक, और दाता चतुर्थक। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्राथमिक। फिर आपका चौथा था मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका आता है 26, बाद 129, औसत 128, और दाता 134। तो इसके करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा 134। आपका पाँचवा आता निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है नहीं है? तो आपका था आगरा, और बाद पटना, औसत भोपाल, और दाता कोलकाता। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा भोपाल। तो इस तरह से आपके यहाँ 5 नंबर के जो विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ। और आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए फटाक से। आप प्रश्न 2 आता है इस तरह पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता किसी देशों में जीवन प्रत्याशा डॉट डॉट है? तो जो पहले का आंसर है, पहले का आंसर सभी को कमेंट में लिखना, जिसको भी पहले का पहले रेगिस्तान का आंसर पता हो वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर आपका दूसरा था सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक शिक्षा है, ठीक है। तो दूसरे में आपका आ जाएगा शिक्षा, आप यहाँ पर देख, दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपके यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। फिर आपका तीसरा रेगिस्तान आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस्पात व चीन उद्योग डॉट के समीप स्थापित होते हैं। तो इस्पात व चीन उद्योग, ठीक है, आंतरिक मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया के समीप स्थापित होते हैं। तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा आंतरिक मंगोलिया। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता मध्य प्रदेश का पचमढ़ी होशंगाबाद नगर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का पचमढ़ी होशंगाबाद नगर है। तो आपका यहाँ पाँचवें का आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, तो अच्छे से याद कर लीजिए। छह मारे कितना आता है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ डॉट डॉट है? तो यहाँ पर विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ सामान बनाना, ठीक है, सामान बनाना आपका यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ सामान बनाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, छहवें का आंसर आपका हो जाएगा सामान बनाना। तो पहले का आंसर सभी को कमेंट में लिखना, दूसरे का आंसर आपका शिक्षा हो जाएगा, तीसरे का आंसर आपका आंतरिक मंगोलिया हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पाँचवें का आंसर आपका होशंगाबाद हो जाएगा, छहवें का आंसर आपका सामान बनाना। तो ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट, जो 6 नंबर के थे, और ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आती है सयोड़ी मिलाइए, जो 5 नंबर की आती है, कुलम आवाबा में आपकी दी गई सयोड़ी पहले आती है सहकारी कृषि, तो इसे आपको स्थायी जीवन का आधार से मैच कर देनी है। और दूसरी आती पंपास, तो इसे आपको नॉर्वे से मैच करनी है। तीसरी आती मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो तीसरी मैच करना आपको अर्जेंटाइना। चौथी आती विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो इसे आपको चीन से मैच कर देनी है। पाँचवीं आती विश्व का सबसे बड़ा चाइनीज तक, तो इसे आपको भारत से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो 6 जोड़ी वो कम्प्लीट हो जाती है 5 नंबर की, और जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब प्रश्न 4 आता है, एक बात मत लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशा है? तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो स्टूडेंट, पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले का आंसर आएगा एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन। ये आपका पहले का आंसर रहेगा, एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरा देते साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या होगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा गरीबी मिटाना, और बाल मृत्यु दर कम करना,
और जनसंख्या नियंत्रित करना ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। दूसरी का आप यहाँ पर दिख ली, गरीबी मिटाना और बाल मृत्यु दर कम करना और जनसंख्या नियंत्रित करना, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा दूसरी का। तीसरा आपका आता है जनसंख्या दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अपन चौथा स्थान देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर सॉरी चौथा आपका एक शतभाग मात्रा आता है कायिक घनत्व क्या, ठीक है, कायिक घनत्व क्या है, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र, ये आपके यहाँ रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर आंसर, ठीक है, कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र, ये आपके यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता भारतीय डाया स्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया है, तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए 30 मिलियन, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर 30 मिलियन हो जाएगा। और छठवां आता जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं, तो छठवें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जन्म मृत्यु प्रवासन, ये आपका छठवें का आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर आपके एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, और दूसरे का आंसर आपका गरीबी मिटाना, बाल मृत्यु दर कम करना और जनसंख्या नियंत्रित करना, तीसरे का आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, चौथे का आंसर आंसर रहेगा कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर 30 मिलियन, छठवें का आंसर जन्म मृत्यु प्रवासन। तो इस तरह से आपको जाते हैं सत बाक मोहत्ता कम्प्लीट, आपके यहाँ तैयार सत असत पहचान कीजिए। तो पहला आपके यहाँ पर आता, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मृत्यु दर अधिक होने हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। फिर आपका आता चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये आपके यहाँ पर ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता नैनीताल एक पर्यटन नगर है, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है, ये भी आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर आपका आता ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है, आपके यहाँ पर चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और फिर पाँचवा आता भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, तो आपका पाँचवें का यहाँ पर आंसर रहेगा सत्य, ठीक है, पाँचवा आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और छठवां आता डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कमजोर हो जाते हैं जो 6 नंबर के थे। आप प्रश्न 6 आता मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, अथवा आता भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के व्यावसायिक संपर्क बताइए। प्रश्न 7 आता अमूलवादी रेडीफाल विचारधारा क्या थी, अथवा आता मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। आपका प्रश्न 8 आता प्रवास के किन दो प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए, अथवा आता प्रवास के किन दो अपकर्ष कारकों को लिखिए। प्रश्न 9 आता जनसंख्या अपघटन से आप क्या समझते हैं, अथवा आता लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है। सभी के आंसर हम आपके कराने वाले हैं, पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन के, जिससे आपको ये क्वेश्चन देखने में आसानी जाएगी, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। आंसर भी हम कराने वाले। प्रश्न 10 आता जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए, अथवा आता शुष्क कृषि तथा आंध्र कृषि में क्या अंतर है। प्रश्न 11 आता भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है, अथवा आता भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। प्रश्न 12 आता ग्रामीण में नगरीय क्षेत्र में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होता है, अथवा आता ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है। सभी क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इनके आंसर भी आपको करा देंगे, ठीक है। प्रश्न 13 आता है स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है विवेचना कीजिए, अथवा आता मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्र से हैं। 14 आता भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात की दो कारण लिखिए, फिर आपका यहाँ पर 14 का अथवा तो अथवा देख लीजिए। 15 क्वेश्चन आता चावल रहित गगन निर्माण कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है, अथवा आता ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कैडबरी में किस प्रकार की कृषि की जाती है। फिर आपका यहाँ पर सुनवाता मानव भूगोल के तीन उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, अथवा आता मानव का प्रगतिकरण समझाइए। अब 17 आता विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है, फिर इसका आता मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। अब 18 आता खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अथवा आता आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, इसकी प्रमुख प्रकार बताइए। 19वां क्वेश्चन आता 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक व आर्थिक कारकों पर कीजिए इसका अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही जो आपके इनके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने यहाँ पर सोल्यूशन हम करा देंगे, और जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और साथ ही जो सोल्यूशन आपका आएगा सुबह आपके यहाँ पर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए और घंटे और वेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।